और वक्का के वासियों लोग, आज हम लोग हाथ से हाथ जुड़ो अभियान पर हम लोग कौन सा गांव में पहुंच चुका है और हम लोग सोच रहा था कि यहां पहुंचाओ, यहां का जो कौन सा गांव से यहां खाका हम लोग खासा और जगन जाने का रास्ता में पहुंचा है और हम लोग सोचा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए। अभी मोर देन 15 साल हो चुका ये रास्ता, ये कन्नी काबा। ये रास्ता जब शुरू हुआ था 2008 और 9 से शुरू हुआ था और 2-3 बार स्कीम भी लेके SIDF से डाला था, लेकिन आज तक इसी को इनकम्प्लीशन होके शायद बिल से भी पास हो चुका होगा और आज तक इसी हालत में है। ज़रा यहाँ से कौनसा से खासा तो केवल 17 किलोमीटर है, तो 17 किलोमीटर इतना नास्तिक रास्ता को आज तक ना बन पाया, तो हमारा इसी इलाका का है, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है कि हमारा RW मिनिस्टर श्री होनचुंग आंडम जी का ही ये उनका अंदर में पड़ता है और उनका ही रास्ता है ये भी। तो हमारा यहाँ में पोंगचाओ वक्का के वासियों लोग इतना जानना चाहिए कि आज तक ये जो हम लोग लॉन्गडिंग से यहाँ कौन सा आर्मी का कैंप तक जो पहुँचा, ये जो है BRTF का रोड है, तो BRTF रोड से यहाँ से खासा 0 पॉइंट यहाँ आपका कौन सा रह गया और खासा में वहाँ में एंडिंग होता है। तो इसी बीच में जाके अभी 2017-18 जो इसमें सेकेंड और थर्ड फेज जो आया था, यह अलग अलग स्कीम से डाला जाता है, तो अभी ये बिना कॉम्प्लीशन होते हुए, बिना जो हमारा ये मेंटेनेंस नहीं होते हुए इसी रास्ता को भी अगर नहीं बन पा रहा है तो हमारा मंत्री साहब क्या कर रहा है। तो अपना प्राइवेट खाका में जाने के लिए कितना रास्ता है, मैं आप लोग को सुना देना चाहता हूँ। ये कौनसा से खासा तक खाका ब्लॉक 1, उसके बाद आपका तीसा का जो नीनू गांव है वहाँ से आपका प्राइवेट रास्ता के लिए जो केनौनी पहुँचता है ये 2। 3 नंबर है आपका वहाँ से मिंतों का जो BRTF ये जो अभी PM जो है का रास्ता से आधा से रास्ता से नदी तक एक रास्ता है 3। और 4 नंबर है आपका वहाँ से क्या बोलते हैं वक्का होके खानू होके यहाँ वन्यू होके खासा आने का एक रास्ता है, तो एक भी सही सलाम नहीं है। उसका बाद आपका ये जो वन्यू से लेकर के कामपंग तक आधा आधा रास्ता काट के दिखवाता है और बिल जो है ऐसे पास होके खा लेता है। इसीलिए मैं हमारा सरकार को, हमारा ये जो पेमा खांडवी जी को यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जो सैंक्शन दिया सरकार काफ़ी हमारे लिए अच्छा व्यवहार से, मैंने सही सलाम से स्कीम सैंक्शन दे रहा है, लेकिन यहाँ में जो स्पेशली इन 60 पहुँचा वक्का पे इसको सही सलाम से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो आप हमारा ये जब अपना रास्ता अपना जगह में टिक टॉप नहीं हुआ तो आपका दूसरा जगह में हो, तावांग हो, बोमडिला हो, पासीगढ़ हो, उसी जगह में जा करके इनाग्रेशन फंक्शन में 24 आवर्स बिजी रह के अपना जगह को भूल चुका है। इसीलिए अभी आप सरकार, हमारा पेमा खांडू जी का सरकार, आप लोग को एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि पहले बार फर्स्ट में आया है कि ये कौनसा को 0 पॉइंट लिया, सेकेंड टाइम में आया है खासा को और भी एंडिंग वाला को 0 पॉइंट आया। उसी प्रकार जो तीसा का जो नीनू गांव का तरफ से नीनू पहुँचने वाला तीसा से केनोंगनू आने वाला रास्ता भी इसी प्रकार हुआ कि 0 पॉइंट कोई की जगह में बनाएगा और कोई किसी का को और एंडिंग पॉइंट बनाएगा। जैसे आपका
इसी रास्ता जैसे आपका वो क्या बोलता है पीएम जयसवाल का रास्ता मैं परसों जाके आया हूँ, 19 किलोमीटर है वक्का से लेकर खोगला तक, उसी रास्ता को भी लिखा है साइन बोर्ड में कि आप इसको 25 किलोमीटर है। जैसे इसी रोड है वैसे ही है हमारा जगह पे, और हमारा 60 पहुँचा वक्का लोग थोड़ा जगिए जगिए आइए, डेवलपमेंट क्या चीज़ डेवलपमेंट, मैं आपको स्कूल भी दिखाऊंगा, गांव वाला किस प्रकार से रहते हैं मैं वो भी आज आप लोग को दिखाएंगा। और आपको यहाँ में देखिए वहाँ का कम से कम 3-4 किलोमीटर से इकोनॉमिकल रोड जो बाउंड्री तक जाता है वो भी कम से कम 1 किलो जैसा बा काटने का बाद पैसा भी तुल लिया। इसीलिए इस प्रकार का जो एकदम स्टॉप मोस्ट करप्शन तो 60 पहुँचा वक्का में हो रहा है, क्योंकि अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसे स्कूल बिल्डिंग बनाएगा उसी स्कूल बिल्डिंग को उसी को ख़त्म करने का 3 वर्ष लग रहा है। तो अभी जैसे यहाँ आज पहुँचा है तो हम हमारा गांव वाला से भी मिलने के लिए ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का लॉन्गडिंग का हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को लेके आया है। और आज हम लोग जब वहाँ में जाना था कंसा जागन की हमारा ब्लॉक की हमारा आर डब्ल्यू मिनिस्टर के गांव चलना था जहाँ में मेरा गांव भी पड़ता है, लेकिन वहाँ पे जाने का इसी प्रकार का रास्ता है। तो आप सरकार कभी ना बोलना है कि इसी रास्ता को मेंटेनेंस भी ना डाला बा बिना काम करके आगे आगे पूरा पहाड़ बड़ा बड़ा कम से कम घास वास सब टिकटॉक हो गया मतलब बड़ा बड़ा हो गया है। इसी प्रकार करते रहने से केवल इलेक्शन का चुनाव के लिए सोच के इलेक्शन में कम से कम 2000 और एक बैग चावल देने से हमारा पहुँचा वक्का का वासियों लोग आप लोग उसको मोड़ दिखिए, डेवलपमेंट को दिखिए। डेवलपमेंट इसको बोलता है जहाँ में सड़क जहाँ में बिजली जहाँ में पानी सही सलम से जहाँ लेके आ सकेगा उसको बोलता है डेवलपमेंट। इसीलिए मैं आज 60 पहुँचा वासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सब जो भी एजुकेटेड व्यक्तियों है 60 पहुँचा वाला हमारा ये लोग देखिए कि डेवलपमेंट किस क्या प्रकार कितना प्रकार का चल रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। तो मैं देख रहा है कि डेवलप का जगह में तो एकदम 60 पहुँचा वक्का तो टॉप लिस्ट में अनडेवलप में लिस्ट किया गया है। इसीलिए हमारा इसी इतना बोरमा बॉर्डर यहाँ से अच्छा बोरमा बॉर्डर ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा आधा में 2 घंटा में बोरमा गाँव पहुँच जाएगा। इतना दुख दुखी से हमारा यहाँ का व्यक्तियों बैठा है तो बोल नहीं सकता है लिख नहीं सकता है, और पॉपुलेशन जो है इलिटरेट ज़्यादा है, और जो लिटरेट है वो लोग भी तो कम से कम इसी प्रकार वाला को रास्ता को अनडेवलपमेंट वाला चीज़ क्या काम कर रहा है उसको देख करके सब मैंने आवाज़ उठाई और आगे बढ़ी है। इसीलिए मैं आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए कौन सा बस्ती जो यानी कि बर्मा बॉर्डर का यहाँ में पहुँचा है, और इसीलिए हमारे साथ अभी हम लोग गांव जाएंगे और गांव में भी हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए मैंने सभी से बूढ़ा बूढ़ी से सब मिलने के लिए आया हूं। इसीलिए मैं हमारा 60 पहुँचाव का वासियों से कहना चाहता हूं कि इसी बार जो डेवलपमेंट लाएगा उसके साथ रहो, जो डेवलपमेंट नहीं लाया कम से कम इसी रास्ता केवल 17 किलोमीटर है जिसको ओनाई बन पा रहा है, और जो हमारा मिंतोंग टू खांसा रोड 25 किलोमीटर तो मंत्री होके मिनिस्टर होके 25 किलोमीटर अगर नहीं बन पाया वो 25 इयर्स वो अपना तीनूर हवा में बिगड़ रहा है। इसीलिए आने वाला चुनाव के लिए भी मैं आपसे 60 पहुँचा वक्का के वासियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सब जो डेवलपमेंट लाएगा जो पक्का सही सलाम से काम करेगा उसका साथ दीजिए। कांग्रेस कमेटी का ये संदेश देने के लिए मैं आया हूँ। थैंक यू आज के लिए मैं इतना मैं समाप्त करता हूँ।